नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। अगर आप मुख्यमंत्री उद्यम योजना का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि इसका सिलेक्शन कैसे लिया जाता है या फिर कैसे होता है, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आपने फॉर्म को भरा है और आपको नहीं पता है इसका सिलेक्शन कैसे लिया जाता है या फिर किस बेसिस पे आपको चयन किया जाएगा, किस बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे 10 लाख रुपया लोन बिजनेस करने के लिए, तो आइए हम इस वीडियो में बताएंगे। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यूनतम अपडेट में, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे, जिसकी जो प्रक्रिया है, जितने भी चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से खुलकर आ जाता है, जो कि बिल्कुल हिंदी में बारीकी से दिया हुआ है। जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दिया गया योजना अंतर्गत आवेदन करने चयन की प्रक्रिया। अब चयन की क्या प्रक्रिया है यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उससे पहले हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दें। जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं, भरने के बाद ऐसा नहीं है जितने भी लोग फॉर्म को भरे हैं सबको जो है ये चीज़ या राशि या फिर यह योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ बिल्कुल आप समझ लीजिए आपके लक के ऊपर है कि अगर आपका लक बढ़िया है तभी आपको इसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें अभी तक तकरीबन 3.5 लाख फॉर्म गिर चुका है और मैं बता दूं कि अभी तक जो इसमें रखा गया है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि मात्र 9200 ही है ऐसा सीट जिसमें कि आपको 3.5 लाख फॉर्म गिराए गए हैं, लेकिन इसमें 9200 लोगों को ही जो है इसमें योजना का लाभ मिलना है। तो यानी कुल मिला के आपके जो है आपके तकदीर पे या फिर कह लीजिए आपके लक पे चला जाता है। अब रही बात कि जो है इसको कैसे चयन किया जाता है, आप समझिएगा होता क्या है इसमें कि आपका जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है रेंडमलाइजेशन के पद्धति के अनुसार आपका जो है चयन प्रक्रिया होती है। हम आपको बता दें कि इसको करने के लिए कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे किया जाता है। ये मैं बता दूं आपको, ये लाइव होता है। जैसा कि आप मान लीजिए अभी तक 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, हो सकता है इसका डेट बढ़े भी, अगर नहीं भी बढ़ता है तो इसका जो इसकी जो मेरिट सूची है यानी कि मेगा सूची, वो किसी भी दिन 16 के बाद हो सकता है 17 को भी या फिर 18 को भी या फिर 20 को भी इसकी सूची जारी कर सकती है, उसके बाद भी कभी भी, यानी कि इसमें इसकी सूची जारी करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सूची है यानी कि मेरिट जो बनता है वो कंप्यूटर के द्वारा बनता है। इसमें बस एक बटन पर क्लिक कर होने के बाद आपका जितना भी नाम है, जितने भी लोग हैं, जितने भी कैटेगरी से फॉर्म को फिल किए हैं, वो सब फिल्टर होकर एक साइड हो जाता है और उसके बाद एक बटन में आपका जो है कंप्यूटर चयन कर लेता है। यानी कुल मिला के यह कह लीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है घुसखोरी नहीं होता है। जब भी चीज़ें इसमें होंगी बिल्कुल आपके सामने लाइव होगी, आप टीवी पे इसको देख सकते हैं कि कैसे इसमें हो रहा है। हालांकि अगर आपका एक तरह से कह लीजिए कि लॉटरी सिस्टम है, अगर आपका लॉटरी लग गया तो समझ जाइए आपका पैसा मिल जाएगा। अब आप सीओ को समझिएगा कि लॉटरी कैसे लगेगा, तो कंप्यूटर के द्वारा लगेगा और कंप्यूटर के द्वारा मात्र 9200 लोगों यानी कि 9200 लोगों का ही सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन में। फिर उस सिलेक्शन के बाद जब आपका नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सही सही पाए जाते हैं तभी आपका लाभ आपको मिलेगा, नहीं तो आपको वहाँ से भी आपको घुमा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह लीजिए आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है लिस्ट में नाम आने के बाद, तो आपको क्या करना क्या होगा कि आपको जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है, तकरीबन 7 से लेकर 18 दिन के बीच की एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो आपको दे दी जाएगी। हम एक बात आपको और क्लियर कर दें, इसमें 10 लाख रुपये की तक का लोन दिया जाता है, जिसमें कि 50% यानी कह लीजिए आपको जितना भी राशि मिलती है, अगर आप 8 लाख रुपये लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपये माफ, 10 लाख लेते हैं तो 5 लाख माफ, 5 लाख लेते हैं तो 2.5 लाख रुपये माफ कर दी जाएगी। एक चीज़ आपको हम और क्लियर कर देते हैं इन चीज़ों के बीच में, आपको जो है जिस समय आप ट्रेनिंग करेंगे, आप अगर ट्रेनिंग में नहीं पहुंचते हैं तो आपको ट्रेनिंग में मात्र 2 मौके ही दिए जाएंगे। फर्स्ट ट्रेनिंग में अगर आप पहुंचे तो ठीक है, दूसरे ट्रेनिंग में पहुंचे फिर भी ठीक है, अगर उसके बाद आप नहीं पहुंचते हैं तो ये कह लीजिए आपको वहाँ से भी आपको घुमा दी जाएगी, कुल मिला के यहाँ कि वहाँ से आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे क्लियरली चीज़ों को मेंशन किया गया, जैसे ही इसका जो है मेगा सूची जारी होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसका जो है कोटिवार करके यानी किस कैटेगरी से क्या है सबका सूची आ जाएगा। उस सूची में अगर आपका नाम है तो समझ जाइए आपको जो है मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत 10 लाख रुपये का जो लोन दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। बाद बाकी इसकी चयन की प्रक्रिया जो है, जैसा कि हमने बताया ही कि कंप्यूटर रेंडमलाइजेशन के तहत जो है किया जाता है, साथ में इसमें जो भी लोग फॉर्म भरते हैं सभी का चयन नहीं होता है। ये एक तरह से कह लीजिए कि आपके जो है लक के ऊपर निर्भर करता है, लक पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लक बढ़िया है तो इसमें आपका नाम आएगा और आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सही पाने के बाद अगर आप जो है
इसमें जाकर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने बिजनेस को या फिर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमने जो बात बताया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मैं बता दूं कि 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की, अगर आप नहीं किए हैं तो कर ही लीजिएगा। साथ में हम बता दें एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको, ये जो है 16 के बाद अगर ये 16 अगस्त लास्ट तिथि रहती है तो इसके कभी भी किसी भी दिन इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि लाइव रहेगा। आप इसके लाइव देख सकते हैं कि कैसे जो है इसको चयन किया जाता है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है, ये सारा कुछ लाइव होगा। यानी कुल मिला के यह कह लीजिए इसमें किसी प्रकार का घूस वगैरह नहीं लिया जाता है। अदरवाइज इसमें क्या कैसे है, कैसे प्रशिक्षण देना है, क्या कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इसके अंदर मेंशन की गई होती है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे, कैसे आपको पेमेंट मिलेगा, कैसे आपको रिफंड करना है हम आपको बता दें। अगर आप इसमें आपका नाम आता है आपका इस लिस्ट में, आपको अगर 10 लाख रुपये की लोन दी जाती है तो 5 लाख रुपये माफ़ कर दिया जाएगा। बाद बाकी जो भी शेष अमाउंट बचता है उसको आपको 84 किस्त में यानी कुल मिला के कह लीजिए 7 वर्षों में आपको चुकता करने होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया ये अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।